हुए हैं और विडंबना देखिए कि आज राजपूत संगठन जिसका पिछले हजार वर्षों से राजनीति से कोई नाता नहीं रहा, आज जब हम जन्म लेते हैं तो राजनीति से हमारी सनातन शत्रुता हो जाती है। आज यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, और बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि आज ये प्रेस्टीजियस फैमिली मेरी यहाँ पे है और मैं इस मंच पर खड़ी हुई हूँ। तो ने हजार वर्षों के बाद शुरुआत की है राजनीति में फिर से, कि जो राजनीति हमसे छीनी थी आज हम वही अपनी वापस लेने जा रहे हैं। और आज आज का राजपूत क्या कहता है सुनिएगा, कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, मन में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ राजपुताना, एक पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कहूंगी आप भक्षण कहूंगी ना, जाति के नाम पे दंगे किए जा रहे हैं, और अब तो ये है कि हम स्वर्ण जाति भी नहीं लिख सकते। क्यों? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का क्या हक बनता है कि हम अपनी जाति डिसाइड करें? वो कौन है जो वहां पे बैठे हुए हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक सपना था कि अगर 18वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी भारत की होनी चाहिए। राजनीति एक युग धर्म है, इसको धर्म से करो, राजनीति में धर्म लाइए, धर्म में राजनीति मत लाइए। आज अगर भारत माता का विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशंसा होता है तो सिर्फ राजनीति के द्वारा। आज यदि ये अयोग्या बेटों के हाथ आ गई तो मार्ग लंबा हो जाएगा, और जो योग्य सामने बैठे हुए हैं इनके हाथ आ गई तो लेकिन ये तभी मुमकिन है जब राजपुताना इकट्ठा हो। अगर राजपुताना इकट्ठा हो गया तो राजपूत पंजे को कमल बना देते, राजपूत पंजे को कमल बना देते, राजपूत फुकाटों को फूल बना देते। पर क्या करें, एकता नहीं है इन राजपूतों में, वरना अयोध्या तो क्या पाकिस्तान में भी राम मंदिर बना देते। मैं एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, इसी साल पास आउट हुई हूँ, तो जब भी सिलेक्शन होता था तो एक बात कही जाती थी कि इट्स बेटर टू डाई फॉर समथिंग देन लाइफ फॉर नथिंग। आज खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो बेटर है कि इकट्ठे आए। अगर डर गए तो गीदड़ भी घुर्राएगा, और अगर डटे रहे तो सिंह भी घबराएगा। आज कुछ करना है तो आपको करना है, डू और डाई, करो या फिर मरो। बस अंत में यही कहना चाहूंगी